सो नमस्ते एवरीवन, ब्रजेश चौहान हियर। तो यू नो गाइस, आज का जो वीडियो है बेसिकली एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में है जो कि हर कोई फेस करता है इनिशियल टाइम पे। मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, बट आपको एक क्वेश्चन आएगा कि भाई तुम्हारी अर्निंग कितनी है। वो लोग कभी कभी कोई लीड्स आपको पूछती है तो आपको क्या उसका आंसर देना है, तो वो आज के वीडियो में आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली आप नए अफिलिएट हो और आप कोई भी मतलब अफिलिएट प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको करनी आनी चाहिए क्योंकि ये हर कोई फेस करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे मतलब कोई लीड्स आपको जो पूछती है कि भाई आपका अर्निंग कितना हुआ है और आपकी अर्निंग जीरो है फॉर एग्जांपल, उसमें आपको क्या आंसर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप मतलब जो इनिशियल लेवल पे, देखो हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है, वो चाहे बिजनेस में हो, वो चाहे कोई भी एरिया में हो लाइफ के, बट ये जो हम अफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं तो हर किसी की जर्नी जीरो से ही स्टार्ट होगी। मेरी भी एक टाइम जीरो से ही स्टार्ट हुई थी और काफी लोगों ने मुझे भी पूछा था कि आपकी अर्निंग क्या है, तो तब मैंने यहाँ पे आंसर दिया था कि भाई मेरी अर्निंग तो जीरो है बट मैं यहाँ पे अभी लर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे अर्निंग का फोकस नहीं है, जब भी मेरी अर्निंग आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट मैक्सिमम यहाँ पे क्या होता है पता है, जिन लोगों को यहाँ पे काम करना है, मतलब कि जिन लोगों को यहाँ पे एक्चुअल में अर्निंग करना है, और आपको ऐसी लीड्स मिलेगी, मतलब कि एक ऐसी लीड्स कि जो एक्चुअल में उसको कुछ काम करना है, कुछ लर्न करना है ना, वो लोग आपको पूछेंगे ही नहीं। वो ऐसे ही लोग पूछेंगे जो लोगों को करना ही नहीं है, सिंपल सी मैं बात, ठीक है। तो जैसे ही मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा ऑब्जेक्शन आता है कि भाई आपकी अर्निंग क्या है, तो आप सीधा आंसर दे दो, भाई मैंने तो जस्ट अभी स्टार्ट किया है, जब भी मेरी अर्निंग आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, बट अभी मेरा लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। मैं अफिलिएट मार्केटिंग मेरे लिए भी नया है बट मैं यहाँ पर लर्न कर रहा हूँ, और उसके बाद जब मेरी अर्निंग आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी आपको ज्वाइन करना है तो उसके मेरे पास यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल है, मैं आपको बता सकता हूँ, आप देख सकते हो, ये प्रेजेंटेशन है हमारा, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताना, अदरवाइज इट्स ओके। ऐसे जब एटीट्यूड से आपका यहाँ पे काम करोगे ना तब ही आपकी सेल आएगी, बट उसके पीछे भागोगे किसी के तो गाइज यहाँ पे आपका है ना टाइम भी वेस्ट होगा, और यहाँ पे आप लीड जनरेशन पे फोकस जब करते हो, मतलब आपके पास बहुत सारी लीड्स आती है, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपके कौन यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं या फिर कौन यहाँ पे आपको पूछ रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आपके पास मैक्सिमम लीड्स से यहाँ पे जनरेट होगी तो आपको कहीं ना कहीं तो सेल आ ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, राइट। बाकी जो जेन्युइन पर्सन होता है वो आपको पूछेगा ही नहीं कि आपकी कितनी अर्निंग होगी, वो समझ जाएगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट को समझेगा, वो प्लेटफॉर्म को समझेगा, वो अपॉर्चुनिटी को समझेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग जब आपके लीड्स में आएंगे, क्वालिटी लीड्स आएगी, तब डेफिनेटली आपकी ये जो क्वेश्चन है लोग जो पूछते हैं वो नहीं पूछेंगे, अदरवाइज कोई पूछता है तब मैंने आंसर दे दिया, वो आंसर दे दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काम करो तो एटीट्यूड से करो गाइस, समझ रहे हो, बाकी मत करो। जिसको करना है वो सामने से आके कर लेगा, अदरवाइज जिसको नहीं करना वो तो बकवास ही करता रहेगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज के वीडियो का आंसर, होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।